रमेश मीणा। रमेश मीणा अगला नाम अशोक गहलोत ने लिया, अब वो शपथ ग्रहण करेंगे। मैं रमेश चंद मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रमेश चंद मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। रमेश चंद्र मीणा कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, ये सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं और पेश इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की है, उपभोक्ता मंत्री रह चुके हैं पूर्व में और इन्होंने अब कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। सचिन पायलट के करीबी हैं रमेश चंद्र मीणा। तो जैसे कि हमने आपको बताया अशोक गहलोत सरकार में उपभोक्ता मंत्री भी रह चुके हैं। सपोत्रा यहां से 3 बार के विधायक हैं रमेश चंद्र मीणा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने की है और 3 बार विधायक रह चुके हैं, उपभोक्ता मंत्री भी रह चुके हैं गहलोत सरकार में और अब कैबिनेट मंत्री के रूप में सचिन पायलट के करीबी। ममता भूपेश अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगातार लग रहे हैं जब हमारे हाउस में। महिला मंत्री अब शपथ ग्रहण करेंगे। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। ममता भूपेश बैरवा समाज को एक तरह से मैसेज देने की कोशिश किए हैं, उसी समुदाय से ये आती हैं और कैबिनेट मंत्री के तौर पर इन्हें प्रमोट किया गया, पहले राज्य मंत्री थी अब इन्हें प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, दलित चेहरा है राजस्थान का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैरवा समाज को एक डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की गई है अशोक गहलोत की तरफ से। NSUI और यूथ कांग्रेस से काफ़ी समय से ये जुड़ी रही हैं और अच्छा खासा अनुभव इन्हें महिला मंत्री के रूप में, इन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है, इनका प्रमोशन हुआ है, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाई गई हैं, बाकायदा पैर छूकर आशीर्वाद लिया अशोक गहलोत का ममता भूपेश ने और कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली ममता भूपेश बैरवा ने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।